नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के हिंदी कालांश में। हम सब कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? बिल्कुल सही, पाठ 5, दोस्त की मदद, कक्षा 2, एनसीईआरटी हिंदी। आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं और चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? बताइए क्या उपाय सोचा था। उसने सोचा था कि अगर मैं इसको बोलूं कि कछुए को पानी में फेंक दो, क्योंकि उससे उसका खोल उखड़ नहीं रहा था, खरोंच कर रहा था उसको, तो खोल नरम हो जाएगी और वो उसको फाड़ सकता है। तो उसने यही उपाय उसको बताया था। तो इसका उत्तर क्या है? लोमड़ी ने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। दूसरा प्रश्न, तेंदुए ने क्या मूर्खता की? क्या की बताओ? बहुत अच्छे, उसने ये मूर्खता की कि उसने फेंक दिया कछुए को पानी में, और कछुआ तो पानी में जाने के बाद भाग जाएगा। तो उसने यही मूर्खता की, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल सही, तेंदुए के द्वारा कछुए को पानी में फेंक दिए जाने की मूर्खता के कारण कछुए की जान बच गई। कछुआ बच गया, कछुआ पानी में भाग गया और तेंदुए उसे पकड़ नहीं सका। इस तरह कछुए की जान बच गई। तो तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। कछुआ चाल, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया हुआ अभ्यास है, कार्य है, जो भी आपको करना है। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसलिए जो बहुत धीरे धीरे चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कि वह कछुए की तरह चलता है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे? वह जो तेज भागता है, तो तेज क्या भागता है? सबसे खरगोश। तो हम उसे कहेंगे कि वह खरगोश की तरह भागता है। वह जो बहुत अच्छा तैराक हो, बहुत अच्छा कौन तैरती है? मछली। तो हम क्या बोलेंगे? वह मछली की तरह तैरती है। अब ये देखिए, जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब, प्रश्न 6, वह क्या सोच रहा होगा बताओ? कछुआ क्या सोच रहा होगा? यही सोच रहा होगा कि उसकी जान किस तरीके से बचाए। उस समय कछुआ यह सोच रहा होगा कि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। प्रश्न 7, उसने उस समय किसे याद किया होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।